अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। दोस्तों, पीएससी जेएससी कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सामने आ चुकी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आपके पीएसटी और जेएसटी के तमाम तर जो आपके 30 अजला हैं पूरे सिंध के अंदर, वहाँ की आपकी वैकेंसी पोजिशन मेल फीमेल डिसेबल तमाम तर जो मिक्सड स्कूल हैं, तमाम तर वैकेंसी पोजिशन पूरे सिंध की आपकी पीएसटी जेएसटी की जारी कर दी है। वो लिस्ट आप अपने ज़िले की किस तरह से देख सकते हैं, आपको डाउनलोड किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से आप ये देख सकते हैं, तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना पीएसटी जेएसटी और जॉब्स क्रिएट सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू कर दें। दोस्तों, यहाँ पर आपने गूगल के ऊपर आना होगा और आपने यहाँ पर लिखना होगा सेल्ड, लिखना होगा सेल्ड यानी सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपने लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेबसाइट मौजूद है हमारे पास सिंध एजुकेशन डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के, इसके ऊपर आपने आना होगा। इसके ऊपर आके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये जो सेक्शन है, मेन्यू है बटन वाला, इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे रिक्रूटमेंट पीएसटी जीएसटी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएसटी रिक्रूटमेंट टाउन वाइज या आपके तालका वाइज, उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर जीएसटी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आपने अगर पीएसटी की डाउनलोड करनी है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद ये डाउनलोड होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो गई, उसके बाद यहाँ पर ये ओपन होगी। आपका जो भी आपके पास एक्सेल होगी या आपके पास ऑफिस वगैरह होगी तो उसके अंदर ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाड़काना डिवीज़न है, उसके बाद दूसरी डिवीज़न से। यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे रीजन यानी डिवीज़न लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील, उसके बाद पोस्ट का नाम पीएसटी है, तो उसके बाद मेल की वैकेंसी पोजीशन कितनी है आपके ज़िले तालके के अंदर, उसके बाद फीमेल, उसके बाद मिक्स्ड स्कूल, उसके बाद माइनॉरिटी, उसके बाद डिसेबल, और उसके बाद जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो आपकी शो गई हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर कॉलम है उसके अंदर ये दिया हुआ है हर तहसील का, हर ज़िले का, कि आपके ऑफ़र ऑर्डर यानी ऑफ़र लेटर जो है वो किन किन को जारी कर दिए गए हैं, कितने मेल को किए गए हैं, कितने फ़ीमेल को, कितने मिक्स स्कूल के अंदर मौजूद हैं उनको किए गए हैं, कितने माइनॉरिटीज़ को, कितने डिसेबल को, तो यहाँ पर आपके ये तीसरे कॉलम में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी केसेस दिए हुए हैं जिनका पीआरसी डी फॉर्म और कट ऑफ डेट वगैरह का इशू है, सीएनआईसीआई का पीआरसी का डी फॉर्म का, तो वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मिक्स स्कूल के अंदर कितने हैं, माइनॉरिटी डिसेबल वगैरह कितने हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथा जो कॉलम है उसके अंदर ये लिखा गया है कि आपके मेल को कितने अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए गए हैं, फीमेल को कितने दिए गए हैं, मिक्स स्कूलों को कितने दिए गए हैं, माइनॉरिटी को कितने दिए गए हैं, डिसेबल को, उसके बाद वहाँ पे टोटल लिखा गया है तादाद। उसके बाद रिमेनिंग जो आपके अपॉइंटमेंट डेट लेटर से कितने जो हैं वो रिमेनिंग है मेल के फीमेल के, उसके बाद डिसेबल वगैरह सारी चीज़ें, उसके बाद रिमेन वैकेंसी पोजीशन इन तमाम तर मरहलों के बाद कितनी आपके तालके ज़िले के अंदर जो है वो मौजूद हैं आपकी रिमेनिंग पोजीशन वगैरह, तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। आप डाउनलोड करके अपना जो यहाँ पर कराची देख सकते हैं, कराची के तमाम तालका ज़िला, उसके बाद मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीर आबाद, सखर, आपके हैदराबाद, तो ये आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ जीएसटी की आपने डाउनलोड करनी है तो ये भी डाउनलोड करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक, ये डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है जीएसटी की, तो आप ओपन कर लें। यहाँ पे आपका मौजूद है आपके पास ब्राउज़र वगैरह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जीएसटी की भी आपके पास मौजूद है लिस्ट वगैरह, तमाम तर आपके 30 जो अजला हैं सिंध के अंदर उसकी आपकी यहाँ पर वैकेंसी पोजीशन वगैरह सब कुछ इसी तरह से मौजूद है। इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके तालके ज़िले के अंदर मेल फीमेल मिक्स डिसेबल माइनॉरिटी कितनी वैकेंसीज थी, कितने ऑफर लेटर दिए गए हैं, कितने अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं और कितनी बाकी जो है वो रिमेनिंग सीट्स हैं। तो इसके अंदर आप अपने जो 40 वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो है वो नंबर के मुताबिक इसके अंदर परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आपको सीट मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, तो ये तमाम तर आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर ये आपको नहीं डाउनलोड हो रही या कुछ इश्यूज़ वगैरह आ रहे हैं तो आप कमेंट करें।